चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। आजकल नया शुरू हो गया, गली गली में ठेले गांवों में मंचूरियन, नामी इतने खराब मोमोज। भोजन कैसे करो जिसका नाम ही सुनने में इतना खराब हो, बच्चे लेके खाते हैं ऐसा। एनाकोंडा जैसे जानवर को खींचता है ना वैसे। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो वाटर रिक्शा साथ में आया तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम है आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें क्या करूं? मुझे बताओ इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग एक परोसता आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो ये है, पंगत बैठती थी, रात देते अगर आते वाला आ रहा है तो कटोरी ले लो। क्या बात है वाह। कोई आगे निकल जाए, मेरे दादाजी वो कोई पंगे में कुछ नहीं है तो डालना। इतने आइटम को खाया जाता है इटालियन काउंटर में, ये काउंटर में, वो काउंटर में, भाई काउंटर में, भाई काउंटर में खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को भिखारी बनते हुए देखना है तो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते हैं, ये रोटी डालना, ये कब से खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या यार? यहाँ पे लेडीज़ों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा यार, क्या कर रहे थे? हमने का लिफाफा दिया नहीं, डालना है रोटी, डालना है। हाँ और क्या मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊंगा। रोटी डाल जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ, फिर रोटी नहीं मिलता, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार, खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, पेरिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे, और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाएगा? क्या बात है भैया, वाह, वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी, आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो माँ के हाथों की गंध सच बताना यार मिस करते हो। वो माँ के हाथों की गंध सच बताना यार मिस, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं। अब आता हूँ कविता के क्लाइमेक्स तक आपको और दृश्य सौंपता हूँ। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं। आज तुम लौटे हो बापू रेस्टोरेंट में, लोग जाते हैं, बाकायदा लड़ाई होती है, बिल नहीं, नो मैं दूंगा, गलत बात मैं तू नहीं देगा मैं दूंगा। आज तुम लड़ते हो कि बिल, ऑब्जर्वेशन देखना, बात कितनी छोटी, लेकिन मैं क्या मिस करता हूँ। आज तुम लड़ते हो कि बिल मैं चुकाऊंगा। भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने बिलाई थी, आज चाहे तू बिलाए। सच्चाई तो वही थी, कल मैंने दो दिन के लिए 50,000 रुपए लिए मैंने इससे, सिर्फ दो दिन के लिए, वो भी दिल्ली में किसी को देने थे, आज वापस चुका, दो दिन का भी ब्याज लिया। ये दोस्ती होती, ये सच्चाई है, ये पाखंड नहीं, पाखंड नहीं है, मतलब सही बता रहा हूँ। नहीं 2000 के नए नोट दिए, नए नोट दिए, दो दिन का भी ब्याज दिया। ये सच्चाई है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसमें थोड़ी इसको सच्चाई कहते हैं। लो मान दे रहे हो आप, भूल गए बस जब कहते थे कल मैंने बिलाई थी, आज चाय तो बिलाएगा, वो एक लाल कपड़ों वाली मुस्कुरा के गई, रसगुल्ले खिलाया।
ऐसी कितनी चीजें तुम्हें गिना वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नामों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। राजेश भाई, बापू मैं टेलीविजन पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, कभी तारक मेहता बन के, कभी कॉमेडी सीरीज, कभी महामुकाबला, कभी भावा, क्या बात है। ईश्वर ने देश में इतना प्यार दिया टेलीविजन पे, हम दुनिया के देश के नहीं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले डेली धारावाहिक भाई, आप भी लोगों की मोहब्बत का कमाल है। हमने वो सौंपा प्रभु ने, ये बहुत कम लोग हमें इतिहास का हिस्सा बन गए। ईश्वर ने वहां पहुंचा दिया जाके हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमारे जमाने में फिल्मों देखने जाना मतलब पिताजी का मूड देखना पड़ता था, और उसके बाद फिल्मों के पोस्टर देखने जाते थे, कहां लगा हुआ है, कौन है हीरो, क्या है। मैं ना सिरोही में पढ़ता था, वहां हमारी फिल्में जब लगती थी तो एक आदमी ऑटो रिक्शा लेता, उसमें लाउड स्पीकर लगाता, दोनों तरफ पोस्टर लगाता, माइक लेता और मतलब प्रचार करता निकलता। रोजाना 400 में देखिए पिक्चर, कोई भी डायलॉग एक ही, हंसी मजाक और मार धार से भरपूर। एक दिन में 10 मिनट तक हंसता रहा। रोजाना 400 में देखिए हंसी मजाक और मार धार से भरपूर। जय संतोषी मां, डायलॉग तो वही। एक दिन बापू पिक्चर लगी ज्वेल थीफ, तो एक नया वर्ड उसने और जोड़ा सस्पेंस। मैं 15 मिनट हंसा राजेश भाई। रोजाना 400 में देखिए हंसी मजाक मार धार और सस्पेंस से भरपूर। ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो नई नई फिल्मों के, और अगली पंक्ति भाई श्री दिनेश दिग्गज और अरुण जैमिनी को समर्थित, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। कुछ सर्दियों में कभी कभी नहाना, रोज नहाने वाले वो सुख क्या जाने। नहाना बहुत ओवररेटेड किया हुआ है लोगों ने। हमारे जमाने में रोज नहाने का रिवाज ही नहीं था। तीन दिन पिताजी नहाते थे, 3 दिन पुत्र नहाता था, ऑल्टरनेट डेज पे चलता था। नहीं सही बात ऐसे ही नहाया जाता था, पानी की कमी थी, और स्नान भी 3-4 एक होता है, चंचू स्नान, चार बुंदली छक छक, एक होता है कान स्नान, भीगे कान, हुआ स्नान, एक होता है स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया। गंधर्व वाले को तो गंधर्व स्नान को जब तक शरीर में गंध ना आए तब तक नहाना नहीं। वो नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना। वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो छत दाद को दे रहा है, देर से आना, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, दादाजी के पांव दबाना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे। अभिधान जो मैंने महसूस किया वो लिखा, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, वो VCR किराए पर लाना। लेकिन मजा तो अगली पंक्ति देगी, VCR किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। सुबह आंखें इतनी सूजी भी, आंखें सूजी भी, समझ लो VCR है। VCR किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 दिन में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। एक प्रोसेस होता था बापू, पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था। तीन भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास। सत्य है, तीनों काम पे लगे। हिला, थोड़े ऊपर, थोड़े ऊपर, आया क्या? नहीं, आ गया, रुक। एक बार मिल के जरा।